हाय एवरीवन, जब भी इंजरी होती है उस साइड पे टिशू की रिमॉडलिंग स्टार्ट होती है। टिशू रिमॉडलिंग के टाइम में फाइब्रस टिशू ग्रो करता है। अगर ये फाइब्रस टिशू ओवर ग्रो कर जाए तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। वहीं अगर वो फाइब्रस टिशू ओवर ग्रो करके जो नॉर्मल स्किन है बियॉन्ड इंजरी साइट वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे कैलॉइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब कैलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार में जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं यानी सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे वो है खारिश की दिक्कत यानी इचिंग और पेन। जो कैलॉइड्स हैं वैसे तो वो किसी भी साइट पे ग्रो कर सकता है, पर मोस्ट कॉमन जो साइट्स हैं वो है ईयर लोब आफ्टर ईयर पायर्सिंग, नेक, चिन, शोल्डर, अपर ट्रंक, लोअर लिम्स और एक्ने फॉर्मेशन के बाद। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो आपको मोस्टली बर्न और टिश्यू इन्फेक्शन के बाद देखने को ज़्यादा मिलेगा। अब बात करें कोर्स और प्रोग्नोसिस की, तो जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो विद इन वन ईयर खुद ब खुद रिग्रेशन स्टार्ट कर देता है। वहीं कैलॉइड आफ्टर वन ईयर काफ़ी एक्सपेंड कर जाता है। कैलॉइड जो है वो आपको मेनली देखने को मिलेगा फीमेल पेशेंट्स में लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, एशियन और अफ्रीकन पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा रहती है यानी अगर फैमिली में किसी को है तो आपको कैलॉइड फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की, तो ट्रीटमेंट में हम इंट्रालेजन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, 5-फ्लोरोयूरेथिल इंजेक्शन, ब्लियोमाइसिन इंजेक्शन, इन इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। कई बार हम लेज़र थेरेपी भी यूज़ करते हैं, फोटोडायनेमिक थेरेपी भी यूज़ करते हैं। अगर कैलॉइड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सर्जिकल एक्सीजन भी की जाती है। सिलिकॉन जेल शीट्स का भी यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन जेल क्रीम्स का यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ टिश्यू ताकि वो सॉफ्ट रहे। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।